आमजन के जंगलों में घुसपैठ और ध्वनि प्रदूषण जंगली जानवरों के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है, जिससे लेकर वन विभाग समेत दर्जनों संस्थाएं इन जानवरों को बचाने की मुहिम में जुटी है। इसी को लेकर आज थानो रेंज में निजी संस्था ने वन विभाग कर्मचारियों के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें जानवरों को बचाने के साथ ही कॉरिडोर के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही जानवरों की गतिविधियों को देखने के लिए कैमरे के उपयोग के बारे में भी बताया गया। बता दें कि जिस तरह लगातार जंगली जानवर आबादी क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे हैं, उससे इंसानों पर भी खतरा बढ़ रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर संस्था लगातार वन विभाग के साथ मिलकर जानवरों के संरक्षण में जुटी है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। ऐसा यहाँ पे नेचर बॉडी से कुछ ट्रेनिंग स्टाफ के आ रखे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो इनके द्वारा एलिफेंट के बारे में बताया गया, हाथी कॉरिडोर कैसा होता है, कैमरा टेप कैसे लगाए जाते हैं, तो इनके द्वारा विधिवत कर्मचारियों को स्टाफ को एक ट्रेनिंग दी गई है। और यहाँ पे इनके द्वारा कुछ इंस्ट्रूमेंट टॉर्च और डंडा सीटी वगैरह भी स्टाफ को दी गई है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल है। ये लोग जंगलों में जाते रहते हैं और ये जो कैमरा टेप हैं ये भी लगाते हैं, तो हाथी मूवमेंट का मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है उसके बारे में इन्होंने स्टाफ को बताया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कैसे रोका जा सकता है, लोगों को कैसे जागरूक किया जाता है, पूरे स्टाफ को इनके द्वारा बताया।